जा रहे हैं कैंपिंग पे और हमारी बाइक पूरी लोड हो गई है। पानी और सामान, छाता, सारा सामान रख लिया है और अब निकलते हैं बुलेट से और दिखाएंगे आपको कि कहाँ पे हम कैंपिंग करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी कैंपिंग साइट पे और ये देख सकते हैं खूबसूरत ब्रिज है यहाँ पे हमारे पीछे और नीचे नदी बह रही है, वो आपको दिखाते हैं अभी। और हमारे साथ हमारा दोस्त भी आया है, हेलो कर दो। तो ये हमारे मनोज का लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा? आज क्या करने आए हो तुम? ये अपने गांव का है, अपने गांव में भी कैंपिंग करता रहता है। तो चलिए नीचे दिखाते हैं आपको पहुंच के और सेटअप करते हैं अपना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, थैंक यू। ये गदेरा है पूरा और ऊपर देखिए कितना घना जंगल है ये। यहाँ बाघ वगैरह भी आ जाते हैं रात को। और ये सामने देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ब्रिज है। और ये हमने देखिए अपनी कैंपिंग की जगह यहाँ पे चुन ली है, साफ़ सफाई थोड़ी कर ली है और हम अपना टेंट यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने अपना सारा सामान रख लिया है, अब दिखाते हैं आपको टेंट लगा के। ये देखिए, और ये हमारी ऊपर बाइक है, वहाँ से हम आए हैं ऊपर से। और काफ़ी बादल हो रहे हैं, काफ़ी सुंदर मौसम हो गया यहाँ पे। ये देखिए, चलिए कैसा लग रहा है भाई? ठीक लग रहा है। अच्छा, तो कैंपिंग करी है तुमने पहले? पहले नहीं किया, वहाँ पहाड़ में। और क्या क्या करते हो तुम अपने गांव में? कुछ नहीं, ऐसे जाते हैं, कभी मछली पकड़ते हैं। अच्छा, आती है तुम तो मछली पकड़ने? हाँ। ठीक है, तो देखते हैं कि मछली पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। दोस्तों, अब हम अपना पूरा टेंट लगाने वाले हैं और शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं कि टेंट लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लेके आए हैं आज कैंपिंग में। और शुरू करते हैं, तो पूरी वीडियो को देखते रहिए। जंगलों के बीच में देखिए सन्नाटे की आवाज़ आ रही होगी आपको। हमारा देख सकते हैं आप पीछे टेंट लग चुका है और अब इंतजाम करना है खाने का। और अभी हम कुकिंग करके भी दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को प्यार दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। देखिए पूरा रियल जंगल है, आप देख सकते हैं पूरा मेरे आगे पीछे ये नदी है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पीछे ब्रिज भी है। नदी की तरफ जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। अमल बोल रहा है यहाँ पे मछली भी है और वो काफ़ी एक्सपर्ट है मछलियाँ पकड़ने में। देखते हैं, देखिए यहाँ पेड़ भी गिरा हुआ है काफ़ी बड़ा। देखिए कमल यहाँ पे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कितनी बड़ी मछली है? और देखिए पानी बह रहा है वहाँ पे, डिब्बा है, डिब्बे में सारी आ जाती। तू तो कह रहा था पड़ी है बोतल हो तो कैसा डिब्बा? ये देखिए, ऊपर ब्रिज। ये वो हमारा टेंट लगा है सामने घने जंगलों में। और ये देखिए ऊपर पूरा बिहड़, खतरनाक जंगल है यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ से दो हिरन भाग के गए और बड़ी तेज। अभी हमने देखे, कमल ने भी देखे थे, ऐसे थे, चित्तीदार थे। हाँ, पूरे ऐसे थे, भाग गए। हीरा ने तो भाग भी हो सकता है, इधर ही की तरफ भाग के गए। तो अभी हम चूल्हे के लिए दो पत्थर ला चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे। और अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। भूख भी लग रही है, काफी देर हो गई जंगल में, कमल को ही भूख लग रही है। तो यहाँ पे लकड़ी अकड़ी पहले से काफ़ी पड़ी हुई थी, शायद कोई कैंपिंग करके गया था। तो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सुलगाने लगे हैं यहाँ पे आग, देख सकते हैं बस। और काफ़ी सूखी लकड़ी हैं तो एकदम ही आग जलने लगी है और कमल ने सुलगा दी है यहाँ पे आग।
देखिए उठने लगा है धुआं। देखिए देखिए कमल, हेलो बोल दो। जल गई है बढ़िया करके आग। और अब सबसे पहले बनाने वाले हैं मैगी। मैं आपको सामान दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास एक की जो कि पहले से ही चूल्हे वाली है और आग हमारी बढ़िया जल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पतली लगाओ अभी, मोटी मत लगाओ, है ना, अभी सुलग जाएगी। मोटी दबा देंगे तो आग, मैगी तो बनाएंगे फ्राई पैन में। ना वो वाले में और दिखा दे, निकाल दे सब सामान। देखिए हम लाए दूध चाय के लिए, ये हो गई मैगी, ये हरी मिर्चें, प्याज, ये हमारा फ्राई पैन मैगी बनाने के लिए, ये देखिए नमक, ये सब चीज़ें आपको कैंपिंग में लेके आनी है। और अब मैं आपको छुरी दिखाऊंगा। देखिए नींबू भी लाए हैं ब्लैक चाय पीने के लिए, प्लेट है खाना खाने के लिए। ये देखिए सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है, चीनी का पूरा डिब्बी उठा लाया हम घर से, छन्नी चाय छानने के लिए, टमाटर तो अभी कपड़ा ये पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सब्जी धो लेंगे और फिर मैगी चढ़ाएंगे, सब मसाला काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसी बनती है हमारी मैगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी कैंपिंग नाइफ जो अभी मैंने रामपुर से खरीदी थी। रामपुर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये टाइगर नाइफ है, इसी से हम सब्जी मसाला काटेंगे। प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छी है, इससे आप लकड़ी भी काट सकते हैं आराम से, कोई भी लकड़ी लेके आप उसे आराम से काट सकते हैं। देखिए ये लकड़ी है, देखिए आराम से इसकी धार, देखिए ये देखिए पूरी, और से एक बार में इसे यहाँ से काट भी सकते हैं इससे। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी धार है और काफ़ी अच्छा चाकू है ये, 800 रुपये का लिया था मैंने रामपुर से। तो इससे हम सब्जी काटेंगे और बनाना शुरू करते हैं मैगी। दोस्तों सबसे पहले हम काटेंगे मैगी के लिए हमने टमाटर, लाल लाल टमाटर है हमारे पास, देखिए कट रहा हमारा टमाटर। खंजर से टमाटर काट, देखा आपने, हम खंजर से देखिए टमाटर काट रहे हैं, इससे हमारी उंगली भी कट सकती है एक ही बार में। देखिए कितना तेज है ये, देखिए और हमने टमाटर धो लिए हैं, इसे बारीक बारीक काट कर देंगे। जब तक हम अपना सॉस पैन चढ़ा देते हैं यहाँ पे बढ़िया से। पिछली बार हमने चिकन बनाया था कैंपिंग में मनोज के साथ, आपने वो वीडियो देखी होगी। आज मनोज के बेटे आए हैं, मनोज बिजी हैं आजकल क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है। तो अभी हमारे टमाटर कट चुके हैं और हम प्याज काटेंगे और आपका हरी मिर्ची काटेंगे, फिर आपको दिखाते हैं वीडियो में कैसी बनी हमारी मैगी। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं अपना प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। देखिए गया, ओह माय गॉड, ये देखिए कौन सा तड़का लगा, ओह माय गॉड, ऊपर से रख दो 10 मिनट। तो देखिए अभी आपने देखा कितना खूबसूरत हमने तड़का लगाया, चाइनीज खतरनाक। अभी चलाते हैं इसको, इसको मीडियम ब्राउन होने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम चम्मच लाना भूल गए थे, काय से चला रहे हैं प्याज टमाटर, सबसे बड़े चाकू थे हमारे। तो देखिए ब्राउन होने लगा हुआ है प्याज टमाटर, देख सकते हैं शाम भी धीरे धीरे डलने लगी है। तो देखिए हमारा मसाला पूरी तरह भुन चुका है, तो इसके अंदर हम डालेंगे मैगी। तो हमारे पास 2 यूपी नूडल है, ये देख सकते हैं आप, मुझे मैगी से ज़्यादा यूपी लगती है, आप बताइएगा आपको कौन सी लगती है। तो आज हम आपको पहाड़ों वाली मैगी खिलाने वाले हैं, तो मैगी को तोड़ लेते हैं सबसे पहले और ऐसे इसको बारीक कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारी पहली मैगी इसके अंदर जा चुकी है, यूपी नूडल्स, आदत वही है ना मैगी बोलने की, चाहे कुछ भी हो है यूपी लेकिन बोलते मैगी है। अब इसके अंदर दूसरी मैगी जा रही है,
ये देखिए जा चुकी हैं दोनों। और अपना कूड़ा हम संभाल के रख लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है आसपास बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो लोग कैंपिंग करने आते हैं लेकिन गंदगी मचा के आते हैं, लेकिन हमें अपने पहाड़ों को साफ़ सुथरा करना है, आग बुझा के जानी है, कूड़ा समेट के जाना है, ताकि हमारा पर्यावरण साफ बना रहे। देखिए इसे थोड़ा चला लेंगे, इसके अंदर जाएगा पानी। थोड़ा हम सूपी मैगी खाएंगे तो थोड़ा पानी ज्यादा रखेंगे। अब आप देख सकते हैं इसे, और हम आपको अपना कैंप दिखाते हैं। ये देखिए के अंदर से भी अच्छा ये मैट है, इसको बिछाएंगे अभी। देखो ऊपर ब्रिज है और ऊपर बहुत घना जंगल है। ये अभी इधर से हिरन भाग के गए। देखिए मौसम कितना अच्छा बना है, और उधर पे बिजली का खंभा भी है। देखिए आग हल्की हो चुकी है, अब कमल को मारनी पड़ेगी इसमें फूंक, तब जलेगी बढ़िया करके। ये देखिए बहुत तगड़ी फूंक है इसकी, केक की फूंक में आग जला देता है। जल गई हमारी आग। तैयार हो रही है हमारी मैगी धीरे धीरे। कमल थक गया है, टेंट के अंदर लेटने चला गया है। देखिए अभी हमारा दूध है चाय के लिए। पैर नीचे करेगा तो ये पहुंच गया है टेंट के अंदर आराम करने। लेट गया आराम से, और यहाँ बन रही है हमारी मैगी। तो दोस्तों होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, जंगल में कैंपिंग और मैगी बनाने का, अंडा बनाने का। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू। वीडियो बहुत बढ़िया आई होगी, आगे वाली आई दोस्तों। हमारी मैगी तैयार हो चुकी है, देखिए कितना बढ़िया धुआं उठ रहा है इसमें से, और मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ओहो बहुत शानदार, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमें पहाड़ों वाली मैगी। छोड़ो तभी ये देखिए, हाँ 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 क्या खूबसूरत बनी, कैसी बनी है कमल? अच्छी बनी है। अभी हम इसे टेस्ट करके बताएंगे दोनों भाई लोग। इसे ठंडा हो देते हैं थोड़ा सा, और लकड़ियों को थोड़ा आगे कर देते हैं। धुआं आ रहा है। चाकू ने हमारा बहुत साथ दिया है। ये बहुत अच्छा चाकू है, इसने बहुत साथ दिया, हम चम्मच भी नहीं लाए। और एक दूसरा है, कहाँ गया वो? रख गया है। ये है एक, ये है ये दो दो चाकू, ये 800 का है। ये तो बाहर का है, चलो 800 का ही होगा। देखिए जंगल में काफी धुआं हो चुका है, तब हम खाते हैं इसको। निकालना है अपनी मैगी, और देखिए इसके चोट लग गई है डब्बा खोलते खोलते। दर्द तो नहीं आ रहा है? ठीक है, लगती रहती छोटी मोटी। चलो कैमरा पकड़ लो, तो हम निकाल रहे हैं मैगी गर्मा गर्म। हाँ 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 कैसी दिख रही है? अच्छी। देखिए टमाटर प्याज बिल्कुल बढ़िया करके हो गया इसके अंदर, पहाड़ों वाली मैगी है ये। हाँ हाँ
अभी हमने ये मैगी बनाई है और अभी हमारे पास अंडे रखे हैं, अंडे बनाएंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे हम, और क्या लाए? चाय। चाय लाए हैं, लास्ट में बनाएंगे चाय। सबसे पहले खाते हैं मैगी। तो आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है हमारे कैंपिंग को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। ये देखिए पास से दिखा दीजिए ना मैगी सबको, और अभी हम खा के भी बताते हैं कमल कैसी है। लो कमल खा के बता दो हमारे सब दोस्तों को। चम्मच ले लो, आप भी देख लो। हाँ पहले कमल बताएगा। अच्छे बनी है बहुत। है सही बन गई। बढ़िया एकदम। वो पहाड़ वाली मैगी देख लो एक बार आप भी। अब कमल पकड़ता है हम देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पहाड़ों वाली मैगी, जो आपने पहाड़ों में अगर मैगी नहीं खाई और तो कुछ नहीं खाया। देखिए बिल्कुल ब्राउन हो रखी है। कैसी बनी है? अलग ही स्वाद है, मतलब धुएं का इसमें खुशबू आ रही है, अलग सी सुनो ना आप, धुएं की खुशबू आ रही है बढ़िया, जैसे चूल्हे की रोटी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बंद कर, मज़ा आ गया। तो आप भी अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा, मैंने एक एक पॉइंट बताया है कैसे बननी है। अभी हमारी आग भी जल रही है क्योंकि अभी हमें अंडा बनाना है और चाय बनानी है, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, पूरा बना रहे हैं। तो दोस्तों अब सो के उठ गए हैं, 2 घंटे करीब सो लिए आराम से टेंट में अपने, और बाहर बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो अभी हम अपनी चेन खोलते हैं टेंट की और दिखाते हैं आपको बाहर का क्या नज़ारा है। 2 घंटे बढ़िया नींद आ गई है। कमल तो पहले ही सो के उठ गया, बढ़िया नींद आई। ये कर्नाट ले रहा था भाई अभी से ही, और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा हो रखा है। तो बहुत बढ़िया नींद आई टेंट के अंदर, बढ़िया मौसम हो रखा था। दिखाते हैं बाहर का। ये देखिए अभी हमारी आग थोड़ी थोड़ी सुलग रही है और पूरी शाम हो चुकी है। देखिए चारों तरफ अंधेरा होने को है अब। तो अभी अब रात की तैयारी हमको करनी है। अभी सबसे पहले चाय पीते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। चाय पीने के बाद बढ़िया चाय की चुस्की के साथ आपके साथ दिखाते हैं, चाय बनाते हैं। कमल भाई आग तैयार करो, चाय बनाया जाए सबसे पहले, और फिर चाय पी के चाय की चुस्की के साथ आपके मिलते हैं। बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। और ये हमारा टेंट है मस्त, हमने ऊपर का हटा दिया था क्योंकि गर्मी हो रही थी वेंटिलेशन के लिए, और बारिश भी नहीं हुई इसलिए हमने बारिश वाला हटा दिया था। अभी हम चल रहे हैं दोस्तों मुँह धोने। ये देखिए बहता हुआ पानी, इसके अंदर मछलियाँ छोटे छोटे मछली के बच्चे, अभी दिखेंगे नहीं। कितने कीड़े हैं यहाँ पर? ये मच्छर वच्छर। सांप भी हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ सांप भी हो सकते हैं। पानी वाले ये तरफ से दिखा, मुझे दिखा। चिड़िया देखिए, चिड़िया वो देखिए, वो देखिए चिड़िया नहा रही है वहाँ पे है। साफ पानी काफी। देखिए दो चिड़िया यहाँ पे, बहता पानी है, साफ पानी है। और जंगल भी देखते हैं यहाँ पे, कितना घना जंगल लग रहा है। ये ऊपर को झाड़ियाँ बहुत यहाँ पे। देखिए ऊपर कैसा है, ऊपर को देखिए। देखिए यहाँ से इधर से कहाँ चला गया, आ जा। वो ऊपर को भी बड़ा अच्छा है। बोतल लाने की। देखिए देखिए
बहुत ही ठंडा पानी है, बढ़िया एकदम, और मजा आ गया मुझे। और ये देख के ऊपर ठीक हमारे सामने में ये पेड़ है, काय का पेड़ है पता नहीं, पहाड़ के आदमी को ही पता होगा। ये देखिए और मौसम इतना सुहाना बना है, बारिश आ गई तो मजा आ गया। अगर हम इधर से ऊपर को गए तो गिधरे गिधरे ये देखिए मुँह धो रहे हैं। भाई साहब नहा लो तो समझो बिल्कुल ही जम जाओगे, वो भी बढ़िया ठंडा पानी है, बहुत ही मज़ेदार, चट्टानों में सो के आ रहा पूरा, बहुत ही टेस्टी पानी है। और दोस्तों धो लिया हमने मुंह और बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, नदी के पानी से मुंह धो के तो अलग ही मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा जंगल में। और देखिए कमल देखिए तो मछली पकड़ने लग गया, मछली पकड़ने का बहुत शौक है। और देखिए बहुत बढ़िया नींद नाइट टेंट में, और अब मूड हो के वो फ्रेश हो गया। देखिए छोटी सी मछली पकड़ लाया, देखिए बढ़िया लग रही है, छोड़ दो चलो जल्दी से पहुंचते हैं टेंट के पास, टेंट भी हमारा अकेला पड़ा है, पीते हैं गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे तो काफ़ी ढेर सारी मछलियाँ हैं, पर नन्नी पिदन्नी सी हैं, बहुत ही जरा जरा सी मछलियाँ हैं। पत्थर देखिए कितना बड़ा है, और देखिए चलते हैं अपने टेंट की तरफ और खिलाते हैं बढ़िया सी चाय आप सबको, ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। बढ़िया सी चाय बनाते हैं, पर देखते हैं दूध तो नहीं फटा हमारा, दोपहर का ला रखा है। देखते हैं, हमारी आग बुझ चुकी है, थोड़ी फिर से जलानी पड़ेगी कमल को ताकि चाय बन जाए। तो जम चुकी है हमारी आग, देखिए फिर से एक और बार, और हम बनाने वाले हैं बढ़िया सी चाय। चढ़ा देते हैं सबसे पहले देगची बढ़िया से, देखना यह है बस हमारा दूध ना फटाओ, नहीं तो चाय बेकार हो जाएगी आज। देखिए देखिए चढ़ा दी है, लग रहे हैं चाय बढ़िया सी शाम के समय के लिए, और देखिए चढ़ चुकी है आपके सामने। यहाँ पे पानी सबसे पहले थोड़ा सा, और अब पका लेते हैं दूध अपना, देखते हैं दूध फटा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से ये बॉटल में लाए थे हम, देखते हैं अभी पकने के बाद पता लगेगा, तो ढक देते हैं। देखिए बढ़िया आग जल रही है यहाँ पे, मजा आ रही है फुल। तो मुबारक हो दोस्तों, आपको चाय देखने मिलेगी, दूध क्योंकि फटा नहीं है, बढ़िया से बॉयल हो रहा है। अब इसे हम डाल देते हैं पत्ती, भाई को पकड़ा देते हैं कैमरा, सबसे पहले डालेंगे इलायची वाली पत्ती, टाटा टी वाली इसके अंदर, बढ़िया, और प्योर दूध की चाय पिलाएंगे आपको पहाड़ की। ये देखिए अब आएगा इसमें खोला, साथ में हम लाएं गुड़ ताकि और इसमें टेस्ट आ जाए, चीनी और गुड़ की चाय बहुत ही मज़ेदार होती है। और दोस्तों अभी अभी मौसम बहुत अच्छा होने लग गया है, बारिश हो जाती तो मजा आ जाता। ये देख के ब्रिज बड़ा अच्छा लग रहा है अभी, और पर्यावरण भी यहाँ पे बहुत है। तैयार होने वाली हमारी बढ़िया सी चाय, आप इंतजार करिए, और जब तक आप भी अपने चूल्हे पे चाय बनाइए, हम जंगल में अब तक चाय बना रहे हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थैंक यू। अरे रे रे रे।
अभी हम आप अब देखिए चाय का खोल दिखाते हैं आपको बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया खोल रही है, बस तैयारी होने वाली है। इसे पकने देते हैं चाय को, इंतजार करिए आप लोग और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें। आपको इतनी वीडियो हम दिखा रहे हैं पहाड़ की, मेहनत से आए हैं, जान का जोखिम में डाल के। हाँ, यहाँ टाइगर वाइगर भी आए, अभी दो हिरन गए इधर से ऊपर से, उनके पीछे टाइगर बड़ा था शायद, तभी भागे होंगे। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का करना, इतनी वीडियो भेज रहे हैं आपको। तो फिर अभी मिलेंगे चाय पीते वक्त हम आपको। तो दोस्तों पक चुकी हमारी चाय, बढ़िया देखिए खोल आ चुका है, इसे हम छान लेते हैं बढ़िया करके। ये देखिए, हाँ, ये देखिए चाय का स्वाद, गुड़ और चीनी वाली चाय, देखिए कितनी शानदार लग रही है। मुझे लग रहा है दो दो कप बढ़िया चाय का मजा आने वाला है, देखते रख देते हैं इसको, निकालते हैं अपने बढ़िया प्याले, डालते हैं बढ़िया चाय। देखिए चाय का मजा लीजिए, आहा, ये देखिए चाय का रंग, ये दोस्तों पहाड़ की चाय, जंगलों की। ये देखिए गुड़ और चीनी का स्वाद अलग ही दिख रहा है, और ये देखिए चाय का रंग भी अलग दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन चाय बनी है। थोड़ी चाय और है, बाद में पियेंगे हम। तो फिर इसको भी निकाल देते हैं प्याज, कोई पीना चाहे तो आ जाए। हाँ। एक कप चाय एक्स्ट्रा है आपके लिए, मजा मार सकते हैं आप। दोस्तों पीते हैं बढ़िया चाय कमल के साथ, चीयर्स करके देखिए बढ़िया, और टेस्ट करके बताते हैं। हाँ हाँ एकदम भैया, ये तो पीने के बाद ही पता लगेगी चाय, वरना ऐसे वीडियो में नहीं आएगा इसका मजा। आहा, ऐसी चाय तो मैंने भी खुद भी नहीं बनाई कभी। अरे घूंट में इतना स्वाद है, क्यों भाई कमल भाई कैसी लग रही है? अच्छी बनी है। ऐसी चाय पिए कभी? आज पी रहा हूँ। बहुत ही मजेदार चाय भाई, तब ये चाय भी आधी आधी बांट लेंगे हम। तो आ जाओ जल्दी जल्दी खोजी अनुपम चैनल पे, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और बढ़िया चाय बना लो आप भी अपने प्यालों में, और साथ में एंजॉय करो हमारे साथ ये चाय की चुस्की। आ तो दोस्तों हम अपनी फाइनल डिश बनाने आ रहे हैं, जो कि है ऑमलेट, और उसके लिए हमने तेल चढ़ा दिया है, और ये मसाला काट लिया है अंडे का, प्याज हरी मिर्च टमाटर, और तेल हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं अपना फाइनल आइटम, और अंधेरा भी अब बिल्कुल होने पे ही है, तो अब बनाते हैं बढ़िया ऑमलेट। अभी चाय पी थी, उससे पहले मैगी बनाई थी, वीडियो पीछे आके देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़िया सा आमलेट बना के दिखाते हैं आपको, फिर वीडियो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए अंडे के लिए हमारा ये प्याज टमाटर बढ़िया से ब्राउन होने लगा है, और ये हमने अपना अंडा फेंट लिया है बढ़िया करके, और देखिए ब्राउन हो जाए, अब पूरा अंधेरा हो चुका है। देखिए बढ़िया से मसाला बन चुका है, बस इतना अंडे आने का टाइम आने वाला है। कमल को भी बहुत मजा आ रहा है आज कैंपिंग करके, मैं इसमें पहली बार कर रहा हूँ। मजा तो आएगा ही आएगा।
दो तीन बार कर लिया होता तो वहाँ आता मतलब, पहली बार हो गया तो मजा ही मजा। ये देखिए गल चुका हमारा आमलेट, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। और अब इसे पकने देते हैं, बिल्कुल पिज्ज़ा वाला लुक दे रहा है, है भाई कमल? ऐसा तो मैंने होटल में नहीं खाया। आज अनुपम भाई के हाथ का खाया गया। देखिए पूरा ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल पक चुका है, इसका कलर देखिए। बस अब ये हो चुका है, हम इसे हटा लेंगे, यहाँ रख देंगे। ये देखिए इतना सुनहरा खूबसूरत इसका कलर आया है। कमल देखिए बन चुका आमलेट, कमल के लिए बेहतरीन, खा के बताएंगे, टेस्ट करके, टेस्ट करके बताओ। गरम हो रहा आमलेट तो क्या होना है, आप भी टेस्ट कर। अच्छा जब मैं चल रहा हूँ तो बंद कर लेना ब्लूटूथ। ये देखिए कितना ब्राउन और यमी दिख रहा है, एक एक प्याज पूरी ब्राउन हो चुकी है पिज्ज़ा की तरह। ऐसे टेस्ट करते हैं हम, तो बहुत ही सॉफ्ट है देखिए। और हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं, धन्यवाद करते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत ही अलग स्वाद, जंगल के आमलेट भी खिला दिया आपको, चाय भी पिला दी, मैगी भी खिला दी, टेंट दिखा दिया, जंगल दिखा दिया। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं और टेंट को सिमटाने वाले हैं। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको भी ऐसी कैंपिंग करनी है। और अभी हम उत्तराखंड में भवाली क्षेत्र में हैं और सही जगह ढूंढ के आप कैंपिंग करिएगा। आग पानी से बुझा दिया है और यहाँ पे आके आप जब भी आग जलाएं या कुछ भी करें तो ज़रूर से बुझा दें, आसपास का कूड़ा सिमटा दें ताकि और लोग भी इस नेचर का आनंद ले सकें, नेचर को नुकसान न पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। बाय बाय।